अचरा से दूर कभी जाओ ना मैं तो हो रे, काहे ना मैं पाई ऐसा भाव। तोसी तिवारी एक ऐसा चेहरा जो अवध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने गानों से जो सुर्खियां इन्होंने बटोरी हैं अपने आप में वह काबिले तारीफ है। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर तोसी तिवारी के तमाम गाने हैं, आखिर उनको शब्दों में पिरोता कौन है, उसके पीछे भी जो शख्स है उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। मेरे बगल में मौजूद है तोसी तिवारी जी और इनको जो गाना देते हैं गुरु जी भी मौजूद हैं, अक्सर मैं भी इन्हें गुरु जी ही कहता हूँ। गुरु जी सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे इतने शानदार गाने तमाम नए नए मुद्दों पर आप इतना जल्दी बना देते हैं, कैसे संभव हो पाता है? देखिए मुझे लिखने का शौक बचपन से है जी, और चूंकि राइटर होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी, चूंकि मैं भी समाज का हिस्सा हूँ तो मेरा भी दायित्व तो बनता है, फर्ज बनता है कि कुछ समाज को मैं भी आईना दिखाऊं अपने शब्दों के द्वारा। जी जी, तो वही मैं करता हूँ। अभी तक कितने गाने आप लिख चुके हैं? लगभग 1000 से ऊपर गाने लिख चुके हैं और बहुत सारे गीत यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे चैनल्स पे चल रहे हैं। तो गुरु जी अब तोसी तिवारी तो आपके सभी गाने गाती हैं, इनको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद भी जनता का मिलता है, आगे की क्या प्लानिंग है इनके गाने को लेकर? आगे बिल्कुल इसको स्टार बनाना है जी जी, और बहुत सारे गाने हमारे अभी आ रहे हैं और बहुत सारे गाने हम लिख रहे हैं और मेरे गाने फिलहाल एक्सक्लूसिवली तोसी तिवारी गा रही हैं जी, और ये गाती रहेंगी जब तक ये स्टार नहीं बन जाती है, और उसके बाद भी चलता ही रहेगा सिलसिला ये। बिल्कुल, चाहता हूँ कोई ऐसा गाना गुरु जी का लिखा हुआ एक आध आप ऐसा गाना आप सुनाइए जो। एक बेटी अपने माँ से कहती है कि इतनी तकलीफों का सामना करते हुए आप मुझे पाल सकती हैं, 9 महीने कोख में रख के और गीले बिस्तर पे नहीं लिटाती हैं जो माएँ होती हैं, और कैसे आप दूसरे के यहाँ भेज देती हैं, कैसे आप दूसरे का हाथ पकड़ा देती हैं। तो हमारे आदरणीय गुरु जी लिखे हैं और मैं गाई हूँ। अचरा से दूर कभी जाओ ना मैं तो हो रे, अचरा से दूर कभी जाओ ना मैं तो हो रे, काहे ना मैं पाई ऐसा भाव। मैया मोरी मैया काहे ना मैं पाई ऐसा भाग, हम हूँ तो वंश मैया दहिया के तोहरे, हम हूँ तो वंश मैया दहिया के तोहरे, मनावा मा भारी अनुराग। मैया मोरी मैया मनावा मा भारी अनुराग। वो लड़की व्यथा अपनी बता रही है कि माँ मैं आपके कोक की हूँ और इतना पाला पोसा, आप कैसे मुझे जुदा कर रही हैं। और कहते हैं क्या, अंगूरी पकड़ी हमका चलना सिखाया, अंगूरी पकड़ी हमका चलना सिखाया, खुद भूखी रही के हैं हमका खिलाया, गीले बीस तरावा पे कभी ना सुलाया, गीले बीस तरावा पे कभी ना सुलाया, लोरिया सुनाई जाग जाग। मैया मोरी मैया लोरिया सुनाई जाग जाग, हम हूँ तो अंश मैया दहिया के तोहरे, हम हूँ तो अंश मैया दहिया के तोहरे, मनावा मा भारी अनुराग। मैया मोरी मैया मनावा मा भारी अनुराग। ये हर लड़की का दर्द है जो कि मुझे लगता है, और ये गाना जो है मैं अपनी मम्मी को याद करके जरूर गाती हूँ। और गुरु जी लिखे हैं ये गाना जब सुनती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब किसी लड़की की बात होती है विदाई की तो हर लड़की की यही मतलब सोच होती है कि आपने मुझे 9 महीने तक पेट में पाला और वो दुख तकलीफ सह सह कर आपने मुझे इतना बड़ा किया, आप क्यों जुदा कर रही हो अपने आप से। तो बहुत ही मार्मिक गीत है और ये
मेरे चैनल पे हुनर फैक्ट्री पे है जी, तो आप लोग जरूर सुनिए। बिल्कुल हुनर फैक्ट्री पर है और मेंशन भी है, आप मेंशन में देख सकते हैं, वहां से आप जो नीले कलर में हुनर फैक्ट्री लिखा हुआ मिल रहा है, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप तुरंत इनके चैनल पर चले जाएंगे, वहां आपको और तमाम ऐसे कलेक्शन जो तोशी तिवारी जी के और गुरु जी के लिखे हुए गाने मिलेंगे, आप वहां जरूर जाइएगा, जरूर सुनिए। लेकिन इस गाने को सुनने के बाद कहीं ना कहीं किसी को भी भाव विभोर कर देने वाला यह गाना, और किस तरीके से सुंदर से शब्दों में गुरुजी ने पिरोया है, इनकी काबिलियत को आप इस गाने से कहीं ना कहीं इनकी काबिलियत का आंकड़ा आप इस गाने से लगा सकते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और तोशी तिवारी को हर घर तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।